हमें इन इक्वेशन को सोल्व करना है. सोल्व का मतलब जो इसमें यूज हो रहे हैं वेरिएबल एक्स वाई जेड, उनकी मुझे वैल्यू निकालनी है. हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स. सो हमने स्टार्ट किया हुआ है न्यूमेरिकल मैथड्स, उसके अंदर हम काफी मैथड्स कर चुके हैं जैसे बाइसेक्शन, न्यूटन रैफसन, रेगुलर फॉल्सी. उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके सारे मैथड आराम से कर सकते हैं. आज हम करने वाले न्यू मैथड दैट इज गॉज एलिमिनेशन मैथड. बहुत इजी मेथड है, इसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, बहुत इजीली कर लोगे, ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं होती और इंपॉर्टेंट भी है. करें स्टार्ट फिर मेथड, फटाफट से नोटबुक ले आओ, स्टार्ट करते हैं मेथड. इसमें होता क्या है, क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा होता है कि जैसे सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, प्रॉपरली मेंशन होगा. सो आपको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं होती कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा, डायरेक्टली मेंशन होगा, बस आपको अप्लाई करना है. ठीक है, इसमें इक्वेशंस दी हुई है, इसमें रूट्स नहीं निकालते, इसमें इक्वेशंस दी होती हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना. क्या लिखा है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, ये तीन इक्वेशंस दी गई हैं. सबसे पहला काम, जो आपको तीन इक्वेशंस दी गई हैं उनको नंबरिंग दोगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, 2, 3. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जब भी आपको गॉस एलिमिनेशन का क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम आपके पास जो इक्वेशंस हैं उसमें इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 उसकी नंबरिंग करनी है. बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपको इक्वेशन जो नंबर 1 पे लिखे 1, 2, 3, आपने उसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग दे देनी है. बुक्स में कई बार वो इक्वेशंस की नंबरिंग चेंज करते हैं, जैसे इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है. आपके पास जो क्वेश्चन में दे रखी है इक्वेशन, फर्स्ट वाली को इक्वेशन नंबर 1, सेकेंड वाली को इक्वेशन नंबर 2, थर्ड वाली को इक्वेशन नंबर 3 दे दो. आपने कोई भी इनको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने नंबरिंग देनी है. ठीक है, कई क्वेश्चन में आपके पास बुक में अरेंज किया हुआ है, सबसे नीचे वाली इक्वेशन को सबसे ऊपर लिखा हो, उसको नंबर 1 दिया हुआ है, आपने ऐसा नहीं करना. अब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. सबसे पहला काम, आपके पास मेथड है गॉस एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करनी है हमें चीजें. देखते हैं एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब बाहर निकालना. वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना. सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. एक साथ तीनों इक्वेशन से नहीं हम कुछ करेंगे, पहले दो दो करके इन इक्वेशन से डील करेंगे. ठीक है, पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लेते हैं. ठीक है, 2x + y + 4z = 12, ये फर्स्ट इक्वेशन, एंड 4x + 11y - z = 33, ये मैंने दो इक्वेशंस उठा ली. ठीक है, उसके बाद आप क्या निकालोगे, R1 निकालोगे. पहली दो इक्वेशंस उठानी है, एक साथ तीनों को कैसे सोल्व करेंगे, दो दो करके सोल्व करेंगे. तो पहली दो इक्वेशंस उठाई मैंने, R1 निकालेंगे. R1 का फॉर्मूला क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2, कोफिशियंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1. 2 और 1 में बड़ा कौन सा है, 2. हमेशा ऊपर 2 के कोफिशियंट आएंगे, कोफिशियंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2. ये लर्न करने का तरीका है, आपने एक को 1 नंबरिंग दी, एक को 2 नंबरिंग दी है, जिसको ज्यादा नंबरिंग दी है वो ऊपर आता है. कोफिशियंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2, कोफिशियंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1, आपको लर्न रहे इसलिए ये चीज. ठीक है, आप कोफिशियंट का मतलब क्या होता है, जो एक्स के साथ लिखा है वो एक्स का कोफिशियंट है. इसका फॉर्मूला लर्न करना है, R1 = कोफिशियंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2. क्या है एक्स का कोफिशियंट, 4, यहां पे लिख देते हैं. आगे देखो, कोफिशियंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1 में एक्स का कोफिशियंट कितना है, 2, वो नीचे लिख देते हैं. ठीक है, इसको कैंसिल कर सकते हैं, आंसर कितना आएगा, 2. हमें R1 मिल गया, दैट इज 2. तो सबसे पहला स्टेप इन तीनों को नंबरिंग देनी, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. हमने फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को उठा लिया, एक साथ तीनों के साथ नहीं हम डील कर सकते, फर्स्ट सेकंड को उठा के सबसे पहले R1 निकाला कोफिशियंट्स की हेल्प से, वो मेरे पास 2 आ गया. ठीक है, उसके बाद देखें आगे, यहां तक क्लियर है, अच्छे से, बहुत सिंपल है. नेक्स्ट क्या करना है, आपने इक्वेशन नंबर 2 पहले लिखनी है, चाहे R1 हो इक्वेशन 2 ऊपर आएगी, उसके बाद भी इक्वेशन 2 पहले लिखेंगे, -R1 * इक्वेशन नंबर 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखो. हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है, लिख लेते हैं 4x + 11y - z. इन्होंने कहा माइनस लिखो, बीच में माइनस लिख लेते हैं. इन्होंने कहा R1 लिखो, R1 कितना था,
टू लिख लेते हैं। इन्होंने कहा इक्वेशन नंबर वन लिखो, ये तो मैंने टू लिखी थी, ऐसे मैं इक्वेशन नंबर वन भी लिख लेती हूँ, 2x + y + 4z। जैसे लेफ्ट हैंड साइड की है वैसे राइट हैंड साइड भी कर दो। इक्वेशन नंबर टू 33 लिखा हुआ है, -r1 कितना है 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1, इसके लेफ्ट में राइट हैंड साइड में क्या है 12, यहाँ पे 12 कर दिया। जैसे लेफ्ट हैंड साइड किया वैसे ही राइट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 2 -r1 -2 इंटू इक्वेशन नंबर 1, सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 इंटू -2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा R1। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपके पास एक सुंदर सी इक्वेशन बन जाएगी जिसमें x नहीं होगा, जिसमें x नहीं होगा। ध्यान से देखो, अभी सॉल्व करके देखते हैं। दैट इज 4x + 11y - z। -2 इससे मल्टीप्लाई होगा, वो क्या हो जाएगा -4x, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा -2 इंटू वाई -2y, -2 इंटू -4z -8z इज इक्वल्स टू 33 -12 इंटू 2 दैट विल बी 24। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस एज इट इज रहे, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर भी गया, इसलिए -4x -2y -4z -8z बन गया। ये चीज क्लियर है, पक्का ध्यान से देख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत। चले आगे, अब इसको अगर मैं सोल्व करूँ, ध्यान से देखना, अगर इनको सोल्व किया जाए तो ये क्या होगा, दैट इज 4x से 4x कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का, जब भी आप R1 निकालोगे और इक्वेशन 2 -R1 इंटू इक्वेशन 1 करोगे उसमें आपके पास x की वैल्यू कट होंगी होंगी, नहीं तो अगर ये कट नहीं हो रही आपने पक्का कोई मिस्टेक की है। जब भी आप R1 निकाल के ये वैल्यू डालोगे दैट इज इक्वेशन 2 -R1 इंटू इक्वेशन 1, आपके पास यहाँ x कट होना ही चाहिए तभी आप ठीक चल रहे हो। ये क्या बचेगा देखो, 11y -z -2y -8z, और इधर 33 में से 24 गए, दैट विल बी, आगे देखो 11y में से 2y गए 9y आ जाएगा, -z -8z -9z आ जाएगा इज इक्वल्स टू 9। अभी तक कुछ नहीं किया, R1 निकाला, इक्वेशन 2 -R1 इंटू इक्वेशन 1 किया, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, उसको सॉल्व करके ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ से 9 कॉमन निकल सकता है, निकाल लेते हैं, क्या बचेगा y -z इक्वल टू 9। 9 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। बहुत सिंपल चीज़ें अगर ध्यान से देखोगे, दैट विल बी y -z इक्वल टू 9/9 y -z इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 4 नेमिंग दे दोगे, पहले 1, 2, 3 नेमिंग दी, उसमें से पहली दो इक्वेशंस उठा ली, उसके बाद R1 निकाला इक्वेशन 1 एंड 2 की हेल्प से। इक्वेशन 2 हमेशा बड़े नंबर वाली इक्वेशन पहले आती है, -R1 इंटू इक्वेशन 1, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, एक फोर्थ इक्वेशन तैयार होगी y -z इक्वल टू 1, यहाँ पे फोर्थ नेमिंग दे दो इसको। क्लियर है चीज़, आगे चलें, बहुत सिंपल है, बहुत अगर ध्यान से चीज़ें करोगे। आगे चलते हैं, अभी फर्स्ट और सेकंड कंसीडर की थी, आगे कंसीडर करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड। ध्यान से देखो, पहले फर्स्ट और सेकंड कंसीडर की थी, स्टेप नंबर 2 में, उसको स्टेप नंबर 1 दे देना चाहे बहुत इजी लगेगा, फिर स्टेप नंबर 2 में हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 और सेम स्टेप्स करने वाले हैं। पहले R1 निकाला था, अब R2 निकालेंगे। R2 में ऊपर क्या आता है, कोफिशियंट आता है, किसका आता है x का हैगा, ठीक है। कोफिशियंट ऑफ x इन किस इक्वेशन में ऊपर आता है, जो बड़ी होती है, 1 और 3 में बड़ी कौन है, 3 बड़ी है, कोफिशियंट ऑफ x इन 3 अपॉन कोफिशियंट ऑफ x इन दैट इज 1। स्टेप नंबर 1 था जब हमने कंसीडर कर थी इक्वेशन 1 एंड 2, स्टेप नंबर 2 है जब हम कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। R2 निकालेंगे क्योंकि R1 पहले निकल चुका है, R1 नाम दोबारा नहीं दे सकते, R2 नेम दे दिया, ऊपर बड़ी वाली इक्वेशन का नंबर आता है इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब 3 में x का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 8, लिख देते हैं। 1 में x का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 2, यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया, राइट। फिर क्या करते हैं, बड़ी वाली इक्वेशन पहले लिखते हैं, इक्वेशन 3 माइनस दैट इज R2 इंटू इक्वेशन नंबर 1। ये पहले बड़ी इक्वेशन आती है, माइनस जो उसमें R निकालते हैं वो आता है,
इंटू छोटे वाले नंबर वाली इक्वेशन आती है, इक्वेशन 3 माइनस आर टू इक्वेशन नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी सोल्व करेंगे, हमें फिफ्थ इक्वेशन मिल जाएगी, फोर्थ तक हम निकाल चुके हैं। निकालेंगे फटाफट, बताओ जल्दी से मेरे साथ साथ करो, बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 3 माइनस आर टू इंटू इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, दैट इज 8x माइनस 3y प्लस 2z माइनस आर टू, वो क्या था, वो तो 4 था। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 2x प्लस y प्लस 4z, जैसे लेफ्ट हैंड साइड लिखे वैसे राइट हैंड साइड भी, दैट विल बी 20 माइनस 4 इंटू 12 माइनस आर टू आ जाएगा ना, और यहाँ पे क्या है इक्वेशन नंबर 1 दैट इज 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, बहुत सिंपल है, जल्दी से देखो। अब तो 8x माइनस 3y प्लस 2z आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8, माइनस 8x आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस माइनस 4y आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस 16z आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 20 माइनस 12 फोर द 48, यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। चले आगे, अब देखो फिर से 8x कैंसिल हो रहा है, x वाले फिर से कैंसिल हो रहे हैं, इसका मतलब मैंने काम ठीक कर लिया। आगे चलते हैं, दैट विल बी माइनस 3y माइनस 4y प्लस 2z माइनस 16z, 48 में से 20 जा रहे हैं, कितने बचेंगे, दैट विल बी 28, कितना माइनस का, क्योंकि 48 बड़ा है उसका माइनस यहाँ आएगा, माइनस 28 विल बी द आंसर। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े वाले का साइन आता है, 48 बड़ा है उसका माइनस साइन यहाँ पे आएगा। आगे देखो, माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7 माइनस 7 वाई, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 प्लस माइनस माइनस 16 में से 2 गए 14z, बड़ा कौन है 16, इसका माइनस आएगा इक्वल्स टू माइनस 28। चले आगे बताओ, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है, बहुत सिंपल है, बस ध्यान से करना, माइनस 7y माइनस 14z माइनस 28, इसमें से पहले माइनस कॉमन ले लें, ले लेते हैं, अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस भी प्लस में बन गया, ये माइनस भी प्लस में बन गया, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7y प्लस 14z इक्वल टू 28, यहाँ से 7 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, y प्लस 2z इक्वल टू 28, यहाँ पे हम 14z को लिख सकते हैं ना, 7 इंटू 2, 7 बाहर आ गया, 2 बच गया। आगे देखो, 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, y प्लस 2z 28 बाय 7 दैट विल बी 4, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 4, ये मेरी फिफ्थ कंडीशन है, फिफ्थ मेरे पास इक्वेशन आ गई, इसमें कोई दिक्कत, ये फोर्थ और फिफ्थ समझ आ गई, तो हमने फर्स्ट सेकेंड से भी काम कर लिया, फर्स्ट थर्ड से भी काम कर लिया, कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं बची जिसका मैंने यूज ना किया हो, मैं फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन पे पहुंच गई। ठीक है, स्टेप वन में इक्वेशन 1 और 2 कंसीडर की थी, स्टेप नंबर 2 में इक्वेशन 1 एंड 3 कंसीडर की थी, लास्ट स्टेप दैट इज स्टेप नंबर 3, इसमें हम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ कंसीडर करने वाले हैं, क्या कंसीडर करेंगे, इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, इसमें R3 निकालेंगे क्योंकि R1 R2 निकल चुका है, R3 में क्या करेंगे, बड़ा कौन सा है, फिफ्थ, कोफिशिएंट ऑफ, अब फोर्थ और फिफ्थ में x तो है नहीं, फिर हम किसके कोफिशिएंट उठाएंगे, y के, उसमें पहले x के थे, हम x के उठा रहे थे, अब इसमें x है नहीं, किसका उठाएंगे, y के कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फिफ्थ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4, ये चीज क्लियर है, कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फिफ्थ, बड़ी वाले नंबर जो होते हैं ना इक्वेशन को ऊपर आता है, अपॉन छोटा वाला नंबर, फिफ्थ में क्या है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, फोर्थ में भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, दैट इज 1/1, आंसर विल बी 1, देखो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1, इसके साथ भी कुछ नहीं मतलब 1, 1/1 आंसर क्या आएगा, 1, इसका मतलब R3 मेरे पास क्या है, 1 आ गया, क्लियर है चीज। आगे देखो बहुत सिंपल, अब मैं क्या करती हूँ, पहले बड़ी इक्वेशन लिखती हूँ, इक्वेशन नंबर फिफ्थ माइनस R3 इंटू इक्वेशन नंबर
दैट इज फोर्थ. अभी समझाया था बड़ी वाली इक्वेशन पहले माइनस आर थ्री इंटू इक्वेशन नंबर फोर. इक्वेशन फिफ्थ की लेफ्ट हैंड साइड देखो वाई प्लस टू जेड माइनस आर थ्री माइनस वन इंटू इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाई माइनस जेड. ऐसे ही राइट हैंड साइड करना है. फोर ये रहा माइनस दैट इज वन आर थ्री लिखेंगे इंटू वन. ठीक है इक्वेशन फाइव माइनस आर थ्री इक्वेशन नंबर फोर लेफ्ट हैंड साइड भी ऐसे करना है राइट हैंड साइड भी ऐसे करना है. अब आगे देखो वाई प्लस टू जेड माइनस अंदर जाएगा माइनस वाई माइनस माइनस प्लस प्लस जेड. जब माइनस अंदर जाता है सबके साइन चेंज होते हैं. ये माइनस वाई बन जाएगा ये प्लस जेड बन जाएगा इज इक्वल्स टू फोर माइनस वन इंटू वन वन. ये फोर माइनस वन बन जाएगा राइट. ये क्या बनेगा वाई ध्यान से देखना प्लस वाई माइनस वाई कैंसल टू जेड प्लस जेड थ्री जेड लिख देते हैं और यहाँ पे फोर माइनस वन थ्री. ये थ्री इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी वन. तो मेरे पास जेड की वैल्यू क्या आ गई वन आ गई. इसमें कोई दिक्कत चले आगे यहाँ तक क्लियर है. हमें इन इक्वेशन को सोल्व करना है. सोल्व का मतलब जो इसमें यूज हो रहे हैं वेरिएबल एक्स वाई जेड उनकी मुझे वैल्यू निकालनी है. तो जेड की तो वन आ गई अब एक्स और वाई की निकालते हैं. ये जो जेड की वैल्यू आई है चाहे आप फोर्थ इक्वेशन में डाल दो चाहे फिफ्थ इक्वेशन में आपकी मर्जी है. मैं पुट कर रही हूँ वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन नंबर फाइव. आप चाहे फोर में भी कर लेना कोई दिक्कत नहीं है. इक्वेशन नंबर फाइव में कर देते हैं y प्लस टू जेड क्या है फोर है. मुझे किसकी वैल्यू डालनी है z की. y प्लस टू इंटू वन इज इक्वल्स टू फोर. वाई प्लस टू इक्वल्स टू फोर. टू दे जाके क्या हो जाएगा माइनस y की वैल्यू क्या आ जाएगी टू. तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई टू आ गई. फोर माइनस टू टू होता है ना इधर प्लस फोर हो जाके माइनस हो जाएगा y की वैल्यू टू आ गई. आपके पास एक बार z आ जाए फिर आप फोर्थ या फिफ्थ इक्वेशन किसी में भी वो z डाल दो आपके पास y आ जाएगा. इस y z को कोई भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन में डाल दो आपके पास x भी आ जाएगा. मैं पुट कर रही हूँ y z किस में फर्स्ट इक्वेशन में. आप सेकेंड में पुट कर सकते हो थर्ड में भी. टू एक्स प्लस वाई प्लस फोर जेड इक्वल्स टू ट्वेल्व. मैं x की जगह x तो है नहीं x को एज इट इज लिखूंगी. y की जगह 2 डाल रही हूँ. z की जगह क्या डाल रही हूँ 1 डाल रही हूँ. ठीक है दैट विल बी 2x 2 प्लस फोर सिक्स इज इक्वल्स टू ट्वेल्व. फोर इंटू वन फोर. टू प्लस फोर कितना हो गया 6 हो गया. 2x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6 6 आ जाएगा. x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3. तो x मेरा क्या है 3 है. सो x इज 3 y इज 2 z इज 1. ये मेरा फाइनल आंसर है.